नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। तो दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया था आपको कि ETF में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें, उसका मैंने सेटअप आपको बताया। ठीक है सर, ये रहा वो वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और आपने इस वीडियो पर बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा दुलार दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, बहुत सारी डिमांड थी, कमेंट भी थे कि सर दूसरा पार्ट बनाइए, तो मैं दूसरा पार्ट आज बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे कि आप उसमें, मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट पे इंडिकेटर लगा के और दिखाऊंगा कि कैसे ये काम कर रहा है, क्या वाकई में ये बहुत बेहतरीन और अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें हम देखेंगे आपके साथ। कितना कैपिटल आपको लगाना है, कितना प्रॉफिट आप बुक कर पाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम चार्ट पे चल के देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूंगा अपने उन सभी दोस्तों से जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो घंटी का आइकन है इसको हिट कीजिए, इसे ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक समय से पहुंचता रहे। तो चलिए, इसके लिए चलते हैं हम अपने चार्ट पे, निफ्टी 50 के चार्ट पे, और वहीं पे देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, कैसे आपको इंडिकेटर इसमें लगाना है और किस तरीके से आपको इसमें काम करना है। तो ये देखिए, आपके सामने निफ्टी 20 का चार्ट मैंने लगा लिया है जो कि निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी 50 को बताता है कि बिल्कुल निफ्टी 50 के जैसे ही रिटर्न आपको प्रोवाइड कराता है। निफ्टी अगर अप होगा तो ये भी अप होगा, निफ्टी डाउन होगा तो ये भी डाउन होगा। ये तो मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो देखिए, कोई भी चीज़ ना मार्केट में 100% तो होती नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सेटअप 100% तो काम करता ही नहीं है। ठीक है सर, 50-50 तो कोई भी होता है। अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया तो 50% आपके चांस है कि आप वहाँ से सही पड़ेंगे, मार्केट अप जाएगा, आप डायरेक्शन में चला गया तो आप प्रॉफिट बना लेंगे, या फिर 50% ही चांस है उसकी कि मार्केट डाउन जाएगा, आपकी दिशा जो भी आपने निर्धारित करी है उससे दूसरी तरफ चला जाएगा। तो 50% तो एक्यूरेसी वैसे भी आपकी है ही है, 50% की एक्यूरेसी तो कहीं गई नहीं है, 50% तो रहती है। चाहे कितना भी बिल्कुल नया ट्रेडर है फिर भी 50% तो है, या तो ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल होगा या ऐसे हिट होगा, या तो लॉस लेगा या प्रॉफिट लेगा, दो ही तरीके हैं, तीसरा तो कोई तरीका है ही नहीं। तो 100% तो वैसे भी नहीं है मार्केट में। अब इसको क्या करते हैं कि हम इंडिकेटर की मदद से या किसी सेटअप की मदद से क्या करते हैं कि हम इसे 60% लेके आ जाएं, 70% लेके आ जाएं, या अमूमन 80% भी लोग लेके आ जाते हैं। तो अगर आप 80% ले आए ना तो आप एक बेहतरीन ट्रेडर हैं, आप ये समझ लीजिए मार्केट में पैसा बना रहे हैं, बूम मचा रहे हैं और पैसा आपका बन रहा है कंटिन्यूसली। तो 50% तो वैसे ही रहता है, आप 60% ला रहे हैं, 70% ला रहे हैं, 80% ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें क्या है, इसमें RR मेंटेन करना होता है आपको, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो इसमें क्या है, आप 1:1 रखेंगे तो बस मार्केट में आपका चलता रहेगा, ना आप ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, बस चल रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ और कह रहा है कि आप मार्केट को सीख रहे हैं, आप मार्केट में टाइम दे रहे हैं, आप अगर प्रॉफिट नहीं बना पा रहे अच्छा तो लॉस भी नहीं कर रहे, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप इसे 1:2 रखते हैं तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे आधा हो जाता है, और सॉरी SL जो है आधा हो जाता है, लॉस आधा हो जाता है, प्रॉफिट आपका डबल हो जाता है। तो यहाँ पे आप जो है कुछ पैसे फिर जो है मार्केट से बनाने लग जाते हैं। ठीक है, और आपका अगर 1:3 हो गया और आपकी एक्यूरेसी अगर 70%, 80% या 60% भी है ना, आप मार्केट से पैसे बनाएंगे, बनेंगे पैसे आपको, 100% बनेंगे। तो दोस्तों, मैंने बताया देखिए, 100% तो कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है। मैं क्या कोई भी दुनिया का कोई ट्रेडर, कोई यूट्यूबर, कोई किताब, कुछ भी आपको 100% एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं दे सकती। तो इस भ्रम को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, 100% कोई भी सेटअप काम नहीं करता है। बस हम अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं, लॉसेस को कम कर सकते हैं। और आप अगर बिल्कुल ही सेफली काम करना चाहते हैं तो मैंने ETF को लेके बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें मैंने आपके साथ स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी साझा करी हुई है कि आप स्विंग ट्रेडिंग करके ETF से कैसे बेहतरीन जबरदस्त मंथली और वीकली इनकम बना सकते हैं। उनका पूरा का पूरा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे और नीचे प्लेलिस्ट में दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। तो वहाँ से जाके आप एक बार चेकआउट कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग से भी आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। लेकिन ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है जो ज़्यादातर इंट्राडे ही करना चाहते हैं। तो कोई नहीं दिक्कत दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखते हैं मार्केट में, एक्टिव ट्रेडर हैं, तो आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ETF के साथ करेंगे तो यहाँ पे आपका काफ़ी हद तक रिस्क जो है कम हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है आप अपने रिस्क को कम कर देते हैं और एक डिसेंट प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए सेटअप तो आपके सामने ही है, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे।
जो चार्ट लगाया वो 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट फ्रेम लेना है अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको जाना है इंडिकेटर में, ठीक है, आपके चार्ट पे जहाँ भी इंडिकेटर का सेक्शन है वहाँ जाना है और वहाँ पे आपको टाइप करना है RSI, ठीक है सर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये वाला इंडिकेटर सबसे पहले ही आ रहा है इसमें आपके में, जहाँ भी आए आप ढूंढ लेना। उसके बाद में जैसे ही आप लगाएंगे तो ये कुछ यहाँ पे लग जाएगा, देखिए मेरा लगा हुआ है पहले से, इसलिए मैंने लगाया नहीं, खाली आपको तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद इसकी सेटिंग रहती है यहाँ पे, आप सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाके आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए लेंथ जो है ना बाई डिफॉल्ट, ये RSI का अपर बैंड जो है ये 70 रहता है, तो मैंने इसको 60 कर दिया यहाँ पे, और ये जो लोअर बैंड है ना इसको मैंने 40 कर दिया, यानी कि ये ओवरसोल्ड और ओवरबोट जोन जो है वो उनमें मैंने परिवर्तन किए हैं। वो परिवर्तन क्या किया है वो मैंने आपको बता दिया कि मैंने इसको 60 करा है और इसको 40 करा है। अब ये यहाँ से कलर और लाइन वगैरह ये आप अपने हिसाब से मोटी पतली कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बदले हुए हैं वाई डिफॉल्ट ना करके, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे और बढ़िया दिखे ये चार्ट जो है यहाँ पर। तो आपको इतना काम कर दिया, अब आपका RSI का जो आपने लगाया है इंडिकेटर वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, 15 मिनट का चार्ट है आपका। अब देखते हैं कि देखिए मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास 20,000 रुपये का कैपिटल है, ठीक है, जैसे कि एक कमेंट भी आया था आपके पास ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि 20,000 का कैपिटल है। और अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं, तो अगर आप लिवरेज पे काम करना चाहते हैं, तो ब्रोकर जो है ना निफ्टी बीच पे आपको 5 टाइम प्रोवाइड करते हैं, 5 टाइम लिवरेज आपको दे देंगे, तो आप लगभग 1 लाख की ट्रेडिंग 20 लाख से 20,000 रुपये से जो है कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें लगभग जो आपकी क्वांटिटी आएगी 1 लाख रुपये में, वो क्वांटिटी हो जाएगी सर आपकी 515, 515 की क्वांटिटी हो जाएगी आपकी, ETF 515 बाय कर सकते हैं अगर मैं इसका रेट 194 मानूँ तो, ठीक है। 194 अगर आप करेंगे तो 194 को जब आप भाग देंगे 1 लाख में, तो 515 क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं, ठीक है सर, इतना काम आप जो है कर सकते हैं इंट्राडे में अगर आप काम करना चाहते हैं। क्लियर हुआ आपको, समझ में आया, आपके पास 20,000 रुपये हैं, आप इंट्राडे कर रहे हैं, तो वहाँ पे ब्रोकर से आपको इतनी लिवरेज मिल जाती है कि वो 5 टाइम तक का मार्जिन लगभग अगर आपका डिस्काउंट ब्रोकर है तो दे देगा, और आप उससे जो है आप मात्र 20,000 रुपये से 500 क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। जबकि आप अगर कैश में करेंगे बिल्कुल, तो लगभग 103 के आसपास ही यूनिट आप जो है निफ्टी 20 के बाय कर पाएंगे। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं पूरा आपको बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, फिर आप समझ नहीं पाते, फिर भी मैं इतना लंबा बनाता हूँ वीडियो फिर भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं और डिटेल में बताना चाहता हूँ। देखिए जो लोग समझदार हैं वो तो बहुत थोड़ी सी बात से ही समझ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बिगनर हैं, नए हैं, उनको समझ में नहीं आता, तो इसलिए मुझे पूरा डिटेल में और कैलकुलेशन करके ही बताना पड़ता है। कहीं कोई मिस्टेक भी रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखिए मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, मैं भी एक साधारण इंसान हूँ, तो मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बोलने का अनुभव या कैलकुलेशन का अनुभव नहीं है, मैं तो आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ मोटा मोटा, और आप अपने तरीके से और भी इसे बेहतर कर सकते हैं, इसमें और भी सुधार की गुंजाइश। देखिए मैंने बताया किसी भी स्ट्रेटजी किसी भी सेटअप में इतना लचीलापन रखिए कि उसमें सुधार करे जा सके, उसको समय समय पे अपडेट करते रहें आप, और वो करना भी चाहिए, ठीक है सर। तो ये मार्केट है, यहाँ पे तो आपको अपडेट रहना ही पड़ेगा, अगर आपको पैसा बनाना है तो अपडेट तो आपको रहना ही पड़ेगा। बाकी जो समय समय पे जो भी बेहतर होगा सुझाव मैं आपको देता रहूँगा, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है सर। तो आप जो है अगर कैश में काम करते हैं तो आप जो है 100 शेयर ही यानी कि 103 यूनिट के आसपास बाय कर पाएंगे 20,000 रुपये में, और अगर आप लिवरेज पर काम करते हैं तो लगभग 515 यूनिट आप इसमें बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने इस स्ट्रेटजी को यहाँ पे लगाया होता जिस दिन ये लास्ट दिन मार्केट क्लोज हुआ है, तो एक बार देख लेता हूँ मैं कि देखिए यहाँ पे इसने बताया कि आप जो है यहाँ पे इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको दो चीज़ों पर खरीद सकते हैं, या तो क्लोजिंग प्राइस पर आप खरीद सकते हैं इस कैंडल के, जहाँ पे ये सिग्नल मिला इसने RSI 40 को छुआ और ये ऊपर जाने लगा, तो क्लियर कट सिग्नल मिल गया कि हाँ भाई अब ये जो है ऊपर जा रहा है, मैंने आपको यही बताया इससे पहले वीडियो में। तो आप या तो इसका जो लो मारा है इस कैंडल पे, या तो आप उस पर बाइंग रखिए, ठीक है, या आप इसके क्लोजिंग प्राइस पे बाइंग रखिए, दोनों में से आप किसी पे भी रख सकते हैं। और मैं मोटा मोटा मानता हूँ कि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 193.95 पैसा, तो राउंड ऑफ ले लो 194 रुपये पे आपने इसको खरीदा, ठीक है, 194 रुपये पे खरीदा, 500 क्वांटिटी आपके पास आ गई, ठीक है सर। कितनी क्वांटिटी आ गई आपके पास, 500, जो कि मैंने बताया, मैं नोट डाउन कर देता हूँ, ठीक है, 194 रुपये पे हमने कितना खरीद लिया, 500 की क्वांटिटी हमने यहाँ पे बाय कर ली, ठीक है सर, इस वाले कैंडल पे जहाँ पे हमें सिग्नल मिला।
अब ये देखिए, अब ये जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है सर। अब ये निकला ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता रहा और यहाँ पे इसने RSI 60 को छुआ। तो यहाँ पे जो इसका प्राइस था, जो हाई मारा है इसने, वो 194.50 रुपये यहाँ पे मारा है, ठीक है सर। तो 50 पैसे का ही गेन है यहाँ पे। और भी हमने वेट कराई और ऊपर गया, तो इसने 194.77 रुपये का हाई मारा है, ठीक है। ये और ऊपर गया जबकि इस समय 3 बजे का समय है, और ये ऊपर गया, इसने हाई मारा 194.85 रुपये, ठीक है सर। तो आप ये 3 बज चुके हैं, इंट्राडे पोजीशन है, तो इससे अगली कैंडल में तो आप काट ही सकते हैं प्राइस। तो मैं मानता हूँ कि आपने 194.80 रुपये पे प्रॉफिट बुक कर लिया। कोई कम ज़्यादा भी कर सकता है। मैं देखिए कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। किसी ने हो सकता है इससे नीचे बाय करा हो, इससे थोड़ा और ऊपर आप बेच ले, 83 बेच ले, 84 बेच ले, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपने 194.80 रुपये पे अपनी पोजीशन को काट दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो आपको मोटा मोटे कितने पैसे मिले? आपको मिले 80 पैसे, 0.80 पैसे। क्वांटिटी थी आपके पास 515 की, ठीक है। कितनी क्वांटिटी थी आपके पास? 515 आपके पास यूनिट थे, ठीक है। 80 पैसे आपने बुक करे, आपका प्रॉफिट बना 412 रुपये, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही कम है 412 रुपये। तो देखिए दोस्तों, आपको कम तो लग सकता है, लेकिन 400 रुपये कम नहीं है। अब इसमें से चलिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि सर 412 रुपये तो हमने निकाले, ब्रोकरेज का क्या होगा? चलिए मोटा मोटी 50 रुपये का ब्रोकरेज मान लूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपको कितना बचा फिर? 362 रुपये आपके पास शेष यहाँ पे बच गए, ठीक है। 362 रुपये शेष बच गए, लेकिन राउंड अप में मैं मान लेता हूँ कि आपने 80 पे एग्जैक्ट बुक नहीं करा, आपने और कम करा, 350 रुपये मान लूँ सर मैं, 350 रुपये आपने इसने बना लिए। तो 350 रुपये का आप पैसे तो देखेंगे कि बहुत कम है, लेकिन जो आपका कैपिटल इसमें लगा वो कितना लगा? 20,000 रुपये लगा। उस पर अगर प्रतिशत वाइज देखेंगे ना, तो 1.8% का रिटर्न आपको मिला 20,000 रुपये पे। 1.8% के रिटर्न आपने बनाए एक दिन में, सिंगल डे में, ठीक है। अब आप जितने भी ट्रेडिंग सेशन होते हैं 20-22, आप उनसे कैलकुलेट कर लीजिए आपको कितना रिटर्न मिलेगा एक मंथ में। अगर 1% पर डे भी रख लूँ, 20 ट्रेडिंग सेशन भी आपने करे, या 20 बार भी प्रॉफिट बुक करा, मैं तो ये कहता हूँ 45 दिन में करा, आपको रोज़ ट्रेड यहाँ पे नहीं मिली 20 बार भी, तो 20% आपने बना लिया आपने 20,000 रुपये का। तो ज़बरदस्त और शानदार सेटअप है, बस आपको समझ के इसमें काम करने की ज़रूरत है। बहस करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि सर इसमें तो हमने 85 रुपये निकाले, 100 रुपये निकाले, 150 रुपये निकाले। तो आप कैपिटल भी तो देखिए कितना लेके आ रहे हो, आप ज़्यादा लेके आइए, आप ज़्यादा काम करिए, है ना, ज़्यादा पैसे से काम करिए, ज़्यादा निकालिए। तो वैसे मेरी बिल्कुल पर्सनल राय नहीं है कि आपके पास अगर 20,000 रुपये का कैपिटल है, तो 20,000 रुपये आप एक बार में मार्केट में लगा देंगे, लेकिन ये ETF है तो यहाँ पे आपको लॉसेस होने के चांसेस इतने हैं नहीं। और मैंने पहले ही बताया वीडियो में कि 100% यहाँ पे कुछ होता नहीं है, 100% कुछ भी नहीं है। आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा कर सकते हैं, और आप इससे मेन चीज़ है कि प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इंट्राडे में चीज़ें काम कैसे करती हैं, और रेगुलर बेसिस पे आप जो है अपने प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और मैं देखता हूँ कि पीछे तक हम चल के देखेंगे कि जब भी इसने RSI को छुआ है, 40 पे सपोर्ट लिया है, तोड़ के ऊपर आया है, तो बाकी में ट्रेड बना है, पैसे बने हैं या नहीं बने हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और मैं एक निवेदन और करूंगा, अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, बिगनर हैं, तो इंट्राडे तो बिल्कुल मत कीजिए। जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी आपको बता रखी है पिछले वाले वीडियो में, आप स्विंग ट्रेडिंग के साथ काम करिए, क्योंकि आप बिगनर हैं, मार्केट में आए, आप इंट्राडे के चक्कर में पड़े, आपने सही से समझा नहीं, आपने लॉस कर लिया, फिर आप मार्केट को भी गाली बकोगे, मुझे भी गाली बकोगे, सर पता नहीं क्या बता दिया मेरे को, तो लॉस लग गया, ठीक है। तो अगर आप नए हैं, बिगनर हैं और बिल्कुल, तो आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, आप इंट्राडे मत। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल एक्टिव है। तो मैंने एक सेटअप आपके लिए बताया कि इस सेटअप के थ्रू भी काम कर जा सकता है। मैंने ये नहीं बताया कि 100% प्रॉफिटेबल ही है, 100% आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ, एक सेटअप बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं, और कम रिस्क है, बहुत ही कम रिस्क है। तो एक बार हम पीछे भी चल लेते हैं और देख लेते हैं कि जो है बाकी में इसने और कब कब आपको प्रॉफिट बना के दिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसने RSI कुछ हुआ, लेकिन चूंकि यहाँ पे मार्केट बंद होने का समय है, 2:15 का टाइम हुआ है ये, और यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दिया, ये फिर नीचे चला गया। तो जब देखिए मॉर्निंग में अगर आपको ट्रेड मिले तो आप लीजिए, और वैसे भी देखिए ये ETF है, ETF में हम यहाँ पे शॉर्ट करने की तो बात सोचेंगे नहीं, हमें बाई करना है। तो कई सारी चीज़ें मार्केट की मिलाइए, आप देखिए मार्केट किस ट्रेंड में है। आप एक्टिव ट्रेडर है, अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें तो जाननी पड़ेंगी। आप देखिए मार्केट
साइडवेज तो नहीं है, मार्केट डाउन ट्रेंड में तो नहीं है, क्योंकि हम बाय की पोजीशन इनिशिएट करने वाले हैं। तो आप देखिए, जिस दिन मार्केट अप ट्रेंड में आप उसी दिन ट्रेड करिए। आप ऐसा थोड़ी है रोज ट्रेड करेंगे, जब भी आपका सेटअप बोलेगा, जब भी सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी हम तब ट्रेड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही हमें ट्रेड करनी है, जब भी हमें प्रॉफिट लगेगा, जब भी हमारी सारी चीज़ें मैच करेंगी, तो आप देखिए मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, RSI पे सपोर्ट लेना चाहिए, 40 पे, या 40 को तोड़ के ऊपर आ रहा हो वहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, फिर हम अपनी ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो है ये बहुत ही लेट, यानी कि लगभग 2 बजे के बाद, 3 बजे के आसपास इसने यहाँ पे जो है RSI के सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। अगर आपने कैरी फॉरवर्ड में ले गए होते इस पोजीशन को तो ज़रूर, ये देखिए मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पे देखिए इसने फिर सपोर्ट लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने बाय करा होता तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, मैं मान लेता हूँ कि चलिए आपने क्लोजिंग पे ही लिया, एक कैंडल पहले ले लिया, उसका क्लोजिंग प्राइस 192 रुपये 62 पैसे है, लेकिन मैं मानूँ चलो आपने 192 रुपये 70 पैसे पे ख़रीदा, 80 पे ख़रीदा, 192 रुपये पे ख़रीदा, मैं तो मोटा मोटी मान लेता हूँ 193 रुपये पे भी ख़रीद लिया आपने। आपने वेट किया होता, अगले दिन ले गए होते पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके, 193 रुपये 91 पैसे का हाई पहली कैंडल में। ठीक है, तो ठीक है, लगभग 1 रुपये से भी ज़्यादा का जंप यहाँ पे। तो ये ETF है, 200 रुपये का ETF है, Nifty 50 का है, कितना बुक कर जाएगा? 1 रुपया भी दे रहा है ना आपको, बहुत अच्छे पैसे दे रहा है। पीछे की बात करते हैं हम और, कि आपको और कहाँ कहाँ ट्रेड ट्रेड जो है इंट्राडे में मिले, और कैसा उन्होंने काम करा उन ट्रेडों के बेसिस पे, आपको कैसी जो है प्रॉफिट रहा, लॉस रहा, क्या रहा। ETF है, लॉस तो खैर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा इसमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार ये आया नहीं, लेकिन यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे मार्केट बंद होने के समय पे आया है ना, तो ये देखेंगे यहाँ पे भी जो है 2:15 बजे के आसपास की बात है ये, जब ये आया है। देखिए देख लेते हैं यहाँ पे, अगर आपने किसी न किसी ने ट्रेड अगर इनिशिएट यहाँ पे करा हो तो क्लोजिंग प्राइस 185 रुपये 61 पैसे। ठीक है, यहाँ तक आया, हाई मारा 185 रुपये 90 पैसे। ठीक है सर, तो 65 और 90 लगभग जो है 25 पैसे का जो है यहाँ पे जंप था, 25 पैसे का जंप था। यहाँ पे लिया होता आपने 185 रुपये 65 पैसे, और ये देखिए लो है 185 रुपये 65 पैसे, और इसने जाते जाते आपको यहाँ पे दिया 187, हाई मारा 187 रुपये 25 पैसे। ठीक है सर, तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि लगभग आपने अगर इसमें से 500 की क्वांटिटी लेके अगर आप 50 पैसे बनाते हैं तो 250 रुपये बनाएंगे। ठीक है, आपने अगर 50 पैसे भी निकाले, मैंने मान लिया आपने 50 पैसे निकाले, 500 की क्वांटिटी है आपके पास, तो आपने 250 रुपये बनाए, 50 से ज़्यादा निकाल लिए, मोटा मोटी करके मान लूँ कि आपने 300 रुपये ही बना लिए एक ट्रेड में। ठीक है, 300 रुपये बनाने के बाद 50 रुपये का ब्रोकरेज मान लो, 250 रुपये आपको बचेंगे। ठीक है, अगर आपने 250 रुपये पर डे भी बनाए इसके अंदर, तब भी आप 1.25% अपने टोटल जो 20,000 आपने लगाए हैं उस पर बना रहे हैं, बहुत ही आराम से बना रहे हैं। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग का सेटअप है, आप मोटी क्वांटिटी से काम करेंगे तो 10-20 पैसे भी, 50 पैसे में भी ना एफिशिएंट अमाउंट बनेगा आपका, बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त अमाउंट बनेगा। तो ये तो मैंने एग्जांपल था कि 20,000 रुपये का आपका कैपिटल लिया है, आप 20,000 रुपये न लगा के आप 50,000 लगाइए, 5 टाइम का मार्जिन लीजिए और क्वान्टिटी को बढ़ा दीजिए, आपका प्रॉफिट और मोटा होने लगेगा। वहाँ पर आपको अगर 10 पैसे 20 पैसे ही बढ़ेंगे ना, आपके कई 100 रुपये बनेंगे जाके, आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वीडियो अगर बाकी में अच्छा लगा, और मैं देखता हूँ अगर इसमें कुछ और सुधार की ज़रूरत है तो मैं इसका पार्ट 3 भी लेके आऊँगा आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो अगर बाकी में अच्छा लगा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर हिट कर दीजिए, ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचता रहे। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।